अभी हम पहुंच गए हैं बाय ऊबर ट्रैफलगर स्क्वायर। ये फाउंटेन उन्होंने बंद कर दिया हुआ, पहले ये चलता होता था। ये देखें, ये है वो स्क्वायर जहाँ पे अभी हम आए हैं एंड इट्स कॉल्ड ट्रैफलगर स्क्वायर। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इधर। पहले ये फाउंटेन भी चलता था लेकिन अब शायद बंद किया हुआ उन्होंने। बिग बिग स्टैचूज आर देयर, लायन स्टैचूज। अभी हम जा रहे हैं नीचे। वो चिकन किधर गया होता था, वो कहीं और था। यहाँ पे एक बड़ा चिकन का स्टैचू था जहाँ पे मेरी तस्वीर थी, बच्चों ने वहाँ जाना था। क्लाउडी हो जाता है कभी सनी। ये देखिए कितना ऊंचा है ये स्टैचू, उसके ऊपर पता नहीं किसका स्टैचू बनाया हुआ, इसके ऊपर पता नहीं किसको खड़ा किया हुआ ना, उधर लिखा होगा दैट वॉज वर्किंग बिफोर, ये दैट वॉज वर्किंग बिफोर नाउ दिस एंड नो। यहाँ पे बच्चे उलट पुलट हो रहे हैं इसके ऊपर चढ़े हुए हैं ऊपर। नॉट गोइंग अवे रोहन, हाँ ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं और इन आया को टेंशन हो रही है। योर टर्न फिनिश, मेरे तीनों शेर बैठे हैं इधर तीनों इकट्ठे माशा। ये किस चीज़ का भी है ये, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है कोई। ये बकिंगम पैलेस की एंट्रेंस है, ये वाली भी वो आगे है बकिंगम पैलेस की एंट्रेंस। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, ब्लैक कैब इज देयर। यहाँ पे जगह जगह लंदन की खास बात है कि यहाँ पे इस तरह के स्टैचूज आपको नज़र आते हैं। ये बाइसिकल्स होते हैं, ये हायर करते हैं, पे करते हैं, चलाते हैं। ये यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी थोड़ा सा बनाया हुआ, यहाँ पर हम बैठे हैं, हम बैठेंगे। और वेदर इज ब्यूटीफुल, गर्मी भी नहीं है ठंड भी नहीं है। ग्रीनरी चेक करें इधर, ये भी हमने यहाँ पे खा लिया, खा पी लिया थोड़ा सा। ये आई थिंक यहीं पे होती हैं ये चेयर्स, आई डोंट नो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पड़ी हुई हैं, हायर कर सकते हैं या फिर ऐसे ही होती हैं। सो यहाँ पर लोग आराम से बैठे हैं, मज़े से रिलैक्स कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कुछ तो सो भी रहे हैं। फैमिलीज़ भी हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस की तरफ। ये भी उसकी एंट्रेंस है, ये सीधी रोड जाती है बकिंगम पैलेस की तरफ। ये देखेंगे डोर इस तरह के ब्लैक एंड गोल्ड, वो सब अच्छा है। सनी स्पेल्स भी आ रहे हैं और पूरा अभी वहाँ पर हम बैठे हुए थे। ये पीछे बिग बैन है वो वाला, नंदा नाई भी इधर ही है। यू नीड टू फाइंड आउट इन पर्टिकुलर दिस वन, वी आर हियर, द मैप्स अपसाइड डाउन, सो इफ यू जस्ट कम आउट ऑफ हियर आई विल रिस्पेक्ट, शी इज द गाइड हियर। द ग्रे बिल्डिंग यू कैन सी थ्रू द ट्रीज, दैट्स बकिंगम पैलेस, नॉट फार अवे। थैंक यू। बकिंगम पैलेस, किंग चार्ल्स थ्री का घर, पहले मलका का था, मलका इज पास्ड अवे, तो अब यहाँ किंग की हुकूमत है ग्रेट ब्रिटेन में। सो दैट्स द किंग चार्ल्स थ्री हाउस नाउ, क्वीन इज गॉन, डेड, आरआईपी, डेड। यस, लास्ट ईयर इन सितंबर। यहाँ पे सामने इतना प्यारा यहाँ पे ग्रीन एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, ब्यूटीफुल। ये देखिए क्वीन बैठी हुई है इधर और ऊपर पता नहीं क्या गोल्डन स्टैचू बनाया, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये देखिए कितना ज़्यादा रश है,
इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और वैसे वीकेंड भी है, सैटरडे है आज, तो वीकेंड्स पे और ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि यहाँ पे 1:30 के बाद पार्किंग फ्री हो जाती है। उस रोड पे जहाँ पे नेचर से मिलते हैं वहाँ से आप वहाँ से ट्यूब लेके तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कैब भी करवा सकते, हमने कैब करवा ली थी। इसका फाउंटेन जो है चल रहा है, ट्रफलगर स्क्वायर का फाउंटेन ही चल रहा है, लेकिन इधर चल रहा है, लोग गए हैं अंदर। ये देख रही यहाँ पे फाउंटेन, और इसको तो ये बड़े से स्टैचू बनाए हैं। मोर लाइंस, ये है जी बकिंगम पैलेस की एंट्रेंस, जो कि आप टिकट लेके भी अंदर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लोग तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, देखें कितने लोग बैठे हुए इधर, कार्ड रखवाली कर रहे हैं। ये है बकिंगम पैलेस, इसके अंदर रहते भी हैं कि नहीं? रहते हैं, उनके तो काफ़ी कार होते हैं, पता नहीं किधर रहते हैं। ये देखें गार्ड यहाँ पे, लंदन की पहचान। इसके आगे तस्वीर बना रहे, ये है जी एलिजाबेथ टावर इधर। तस्वीर बनाए हैं ये लोग यहाँ पे क्यू में लगे हैं। There was one over there, but that they want to capture this view. ये इस व्यू को लेने के लिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगा के यहाँ पे सिर्फ तस्वीर लेने के लिए। इसकी पता नहीं क्या इतनी कोई खास ही स्टेज और लाइन बनाई हुई है। ये भी कोई बिल्डिंग आई डोंट नो। ले है जी यहाँ पे एलिजाबेथ टावर, बिग बैन साइड पे चले। यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और सेम गाय वाज देयर इन ट्रफलगर स्क्वायर, अभी ये इधर आ गया। महात्मा गांधी का भी स्टैचू उन्होंने बनाया हुआ, इसलिए वहाँ पे देखें इंडियंस बना रहे तस्वीर। ये गांधी जो, ये पता नहीं किसका, लेकिन ये महात्मा गांधी, इसका तो पता है। ये पूरा व्यू इधर, बहुत बिजी है इधर बसेज, सो क्राउडेड। सन मंडेला का भी स्टैचू इधर, और अयान को याद था इसका नाम, हमें नहीं पता था, हम सोच रहे थे क्या लिखना, अयान ने हमें बताया। ये पता नहीं क्या इधर, ये सारी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, इसको बिल्ड किया है आई थिंक, इसको उन्होंने आगे भी इसका कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही थी, अब होगी भी है। किधर है इस टाइम? बिग बैन और ये आगे या राइट साइड पे पार्क है, वो पीछे स्टैचू लगाया मंडेला का, और राइट साइड पे महात्मा गांधी का भी लगाया। ये बैठे हैं सारे रिलैक्स कर रहे हैं, पीछे से ट्रेन गुजर रही है, वाइब्रेशन हो रही है। जहाँ करें अभी तो ये डिंकिंग, अब यहाँ पे टाइम हो गया 4:15 हो गए, 4:15। ये यहाँ पे सिटी साइटिंग लंदन, ये बसेस होती हैं, आप इसकी टिकट बाय करें और जो आपको टूर करवाती हैं पूरे लंदन के इर्द गिर्द, जो सेंट्रल लंदन है, जो फेमस यहाँ पे लैंडमार्क्स हैं उनका।
बिजी लंदन। दे डूइंग जिमनास्टिक क्रेजी। कार जो है वो बिल्कुल आगे आ गई थी बस के, यहाँ पे एक्सीडेंट होने लगा, पता नहीं हो गया या नहीं। वो जो गाड़ी नहीं है गाड़ी, वो उसके साथ टक्कर हुई है बस के साथ, बिग बड़ी कोच के साथ, वाइट वाली के साथ। नॉट हैंगिंग प्लीज। इसको क्या कहते हैं, क्रूज, सिटी क्रूज। ये आई थिंक टूर करवाते हैं, अभी हिलने लगी है, मूव करने लगी। बिग मनी दे चार्ज। Busy today. Buy your tickets from here. बस का अगर आपने टिकट बाय करना है, आप यू कैन बाय फ्राम हियर। ऑफ है जहाँ से आप ये 1 pound के खरीद सकते हैं। ये 1 pound, अच्छा 2 pound का है, 1 pound का नहीं है। लेके जाने लगे अपनी गाड़ी तक और फिर उसके बाद डिनर करेंगे, यहाँ से पे कर टैप करें और निकल जाएं। जुबली लाइन, वी आर गोइंग अंडरग्राउंड नाउ, वी आर इन ट्रेन नाउ। यहाँ पे लिखा आ जाता है जो भी स्टेशन आता है ना, यहाँ पे भी लिखा आ जाता है। ट्रेन से हम निकल गए हैं, अब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पार्क की हुई है, और उसके बाद फिर आगे।